नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको देखो अपने घर की सैर कराऊंगी, कैसा है मेरा घर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए कुछ हमारे घर में पुराने ज़माने के भी तो मैं आपको वो मिलेंगे सामान वगैरह, और थोड़ा हम पुराने ढंग से रहते हैं। और देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में ये मेरी छत है, ये देखिए आपको ये बेल दिखाई दे रही होगी, ये मधुमालती की है दोस्तों। ये देखिए ये जो नीचे से आई है, ये नीचे से आई है, और ये देखिए, ये देखिए मेरी छत कैसी है। ये हम लोगों ने वो कपड़े सुखा के रखे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टंकी है दोस्तों पानी की, जो बंदरों की वजह से हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे नीचे, पहले तो ये ऊपर रखी थी छत के, अभी हमने नीचे लगा के रखी है। और तो भी तो देखो ने तोड़ दी है, कैसे तोड़ी है, क्या हाल किया है। और ये देखिए तुलसी का पौधा कहाँ कहाँ जम गया है, देखो कहाँ से निकल आया है। और मैं दिखाऊंगी, ये थोड़ी सी लकड़ी रखी है, कभी कभी हम लोग खाना बनाते हैं ऊपर छत पे, तो ये आग वाग जलाने के लिए पतली पतली लकड़ी, थोड़ा ये मोटी। ये देखिए एलोवेरा लगा है, ये सदाबहार है, ये कद्दू की बेल है, ये देखिए छुपा के रखे हैं फूल पौधे, बंदर खा जाते हैं ना इसलिए। ये देखिए ये देखिए कैसे करके रखी हम लोगों ने, ये देखो बताइएगा दोस्तों कैसा है, आपको ये पौधे अच्छे लगे तो बताइएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर ये हमारे ये हौदी टाइप में बना के रखी है, मैं दिखाती हूँ दूर से। ये देखिए ये है वो, ये पुराना कूलर था मेरा, उसके हैं उसमें हम लोगों ने मिट्टी विट्टी डाल के एलोवेरा थोड़ा लगा के रखा है। और ये देखो हौदी हौदी बनी हुई है, ये देखिए ये हौदी है, हौदी में ऐसे पेड़ लगा के रखे। और ये देखिए ये 9 बजे आए, ये 9 बजे खिलते हैं, ये देखो एक मेरे गुआर का पेड़ लग गया है इसमें, जब आया ये देखो फली लगी है। और ये है दोस्तों पत्थर चट्टा, ये देखो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये बड़े और ये एक औषधि है, और औषधि से भरपूर है, ये बहुत ही ज़्यादा गुण है इसमें, बहुत ही सुंदर पेड़ है ये, और ये दवाइयों में काम आता है दोस्तों। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए पत्थर चट्टे के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए ये मैंने लकड़ी इसके ऊपर इसलिए लगा के रखी है कि ये मेरा करी पत्ता जो है ना, आप दिखाऊंगी दूर से, ये देखिए करी पत्ता, ये बंदर आते हैं ना तो बंदर ये यहाँ ऊपर से तोड़ देंगे, तो किसी मतलब का नहीं रहेगा। ये देखिए ऐसे करके रखा है। और ये देखिए पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं कुछ, पता नहीं इनको क्या हो गया है, ऐसे पीले पीले हो रखे हैं। और ये देखिए ये भी गुलाब का पौधा है, ये तुलसी है मेरे दोस्तों, देखो ये श्यामा तुलसी है, मैं पास से दिखा रही हूँ, श्यामा तुलसी है ये। ये मैं अभी पूजा वूजा करूँगी ना, पूजा के लिए थोड़ा अलग लगाऊंगी ये तुलसी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये मंजरी भी इसकी बड़ी हो रखी है, देखिए इतनी सारी बड़ी हो गई है। और ये मैंने अलग से लगा के रखी है छोटी छोटी तुलसी, कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी में डालने के लिए, चाय में या कान्हा जी के लिए पत्ते वत्ते मेरे को तोड़ने पड़ते हैं, तो जो जो मेरी पूजा की तुलसी है उसमें से मैं उसको नहीं छूती और मैं इसमें से डालती हूँ, अलग से जो मेरी लगी होती है ना तुलसी उसमें से डालती हूँ। दोस्तों ये देखिए एलोवेरा है ना छोटा सा, ये मैंने अलग लगा के रखा है, ये छोटे छोटे, ये देखिए ये मैं किसी को दे दूँगी, ये बेल है, बेल के बीज मैंने डाल दिए थे, तो ये कोई किसी को दे दूँगी तो अपने बगीचे में लगा देगा ये पौधे, इसमें तो नहीं हो पाएगा।
और दिखा रही हूँ ये है, देखिए छोटी सी बेल है मेरी, बड़ी है ना क्यूट सी, ये परवल की बेल है दोस्तों। मैंने थोड़े से परवल डाल दिए थे, वो है ये देखिए है ना छोटी सी प्यारी सी। और ये देखिए मैंने अलग से थोड़ी सी ये गोरी तुलसी लगाई है, ये देखिए। ये बारिश की वजह से मैंने अभी ये छत अपनी साफ नहीं करी थी दोस्तों। और ये देखिए ये मेरा चूल्हा कैसा हो रखा है, बरसात में पूरा गंदा हो रखा है, हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अभी मैं इसको क्या करूँगी, गोबर वगैरह ला के इसको मैं लीपूँगी सही करके, फिर रोटी वोटी बनाऊँगी किसी दिन, वीडियो डालूँगी रोटी वोटी बनाते हुए। और अधिकतर हम लोग रोटी इसी पे ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ। और अभी तो ये बरसात 3 दिन से हो रही, तो पूरा चूल्हा वूल्हा फूट गया है, बेकार हो गया है, खुला छूट गया था, इसलिए मैं इसको सही करके फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। और दोस्तों देखिएगा मेरे ये जो छोटा सा मेरा प्लॉट पड़ा है पीछे एक कमरे का, उसमें भी मैंने थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा। ये नीचे एक देखो बाउंड्री है, ये वाली ये बेल देखो कहाँ तक जा रखी है, ये देखिए ये देखो कहाँ तक जा रखी है, तोरई की बेल है दोस्तों ये वाली, ये तोरई है मेरी, ड्राम भी रख रखा है पानी के लिए। और ये देखिए ये भिंडी भिंडी लगी है, और सदाबहार के पेड़ भी है, ये पास पड़ोसी वाला पेड़ है दूसरे का है, पर लगा दूसरे के में, पर फूल हमारे में आ जाते हैं देखना, वो देखो फूल हमारे में वाइट कलर के। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे मेरी छत का वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे पौधे मैं कैसे रखती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं रख पाती पर कोशिश करती हूँ नेचर में रहने की। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे।